नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो जान लेंगे हम सिर्फ 8 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं सारी खबरों को, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियां। जी हां, यूपी के वेदर के बारे में आपको बताएंगे। आज 26 मई तक पश्चिमी यूपी में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं जानेंगे अगली बड़ी खबर जिसके अंदर जानने को मिलेगा आपको 1 जून से नहीं मिलेगा आप लोगों को सिलेंडर। उसी के बाद आपको बताएंगे 23 मई को रहने वाले हैं बैंक बंद और क्यों रहेंगे बैंक बंद, वो भी बताएंगे। उसी के साथ अगर आप ट्रेन में सोना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता रेलवे स्टेशन कब आएगा तो उसके लिए रेलवे ने की है एक नई शुरुआत। उसी के बाद आपको बताएंगे 15 सितंबर से बदल जाएगा आपका मोबाइल यूज़ करने का नया नियम। जी हाँ, और उसी के साथ आपको बताएंगे कि शाहरुख खान की तबीयत आखिरकार क्यों बिगड़ गई और उन्हें क्यों होना पड़ा अस्पताल में भर्ती। चलिए शुरू करते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर यूपी के वेदर के बारे में। 26 मई को पश्चिमी यूपी में गर्मी का रेड अलर्ट, पारा 2 से 3 डिग्री बिगड़ेगा। जी हां, आपको बता दें बढ़ने वाला है गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग ने आगामी 26 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया और इस दरमियान दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें मौसम काफ़ी तेज बदल रहा है और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 और 26 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में गर्म रात रहेगी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसकी चपेट में बिल्कुल भी नहीं आना है आप सबको। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, LPG गैस कनेक्शन को लेकर 1 जून से नहीं मिलेगा सिलेंडर, तुरंत करवा लें ये एक काम। जी आपको बता दें अगर आप लोगों ने अभी तक अपने गैस सिलेंडर की EKYC नहीं करवाई है, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों के घर में गैस चूल्हा है और जो लोग इस गैस चूल्हा का चाहते हैं कि सही इस्तेमाल करते रहें तो EKYC करवा लीजिएगा, वरना आपका 1 जून से सिलेंडर नहीं आने वाला ये मान के चलिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, हीट वेव अलर्ट। आपको बता दें दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी दिखा रही है तेवर। मानसून को लेकर IMD ने दिया अपडेट। आपको बता दें बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी ज़्यादा ही नहीं, हद से ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों आप सब अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा हीट वेव का अलर्ट देखने को मिला है और गर्मी सच में ज़्यादा होने के कारण ही ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी है। दिल्ली NCR में हीट वेव का कहर जारी है, अधिक तापमान में कोई अब राहत नहीं मिल रही है, तो आप सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी इसी को देखते हुए एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि गर्मी सिर्फ यहाँ पे भी है, गर्मी हर जगह अपने तेवर दिखा रही है। आपको बता दूँ शाहरुख खान भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। जी हाँ, शाहरुख खान का जो अभी हॉस्पिटलाइज हुए किस कारण से, हीट वेव के कारण, हीट वेव से शिकार हो गए हैं, अस्पताल में होना पड़ा भर्ती। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के फैंस के लिए शॉकिंग न्यूज़ आई है। एक्टर को अहमदाबाद के KD अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में बताया गया उनकी तबीयत तो ठीक हो गई है, अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन KD हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अनुसार अभिनेता को हीट वेव का शिकार हो गए थे, जो कि KKR बनाम हैदराबाद मैच देखने पहुंचे थे अहमदाबाद में, तो उसी दौरान ये चीज़ हुआ। गर्मी काफ़ी तेज़ है इसलिए आप सब इस चीज़ का अच्छे से ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, 23 मई को बंद रहेंगे बैंक, 25-26 को भी नहीं होंगे काम, फटाफट अपने कामों को निपटा लीजिएगा। जी हाँ, आज से यानी आज के दिन अगर आप अपना कोई भी काम बैंक का कराने वाले हैं तो नहीं होगा। जी हाँ, क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का कारण आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा, जी हाँ, नजरुल जयंती 2024 के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। ठीक है, 23 मई को गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान आप डिजिटल जो बैंकिंग सेवाएं उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, बैंक में आकर आप कोई काम नहीं करवा पाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, ट्रेन में चैन से सोने के लिए करें छोटा सा काम, आपका स्टेशन आने पर रेलवे खुद करेगा कॉल। आपको बता दें अभी के लिए एक ऐसी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं जो आपको ट्रेन में आराम से बिना चिंता के सोने के लिए मदद करेगी, उसके लिए आपको कॉल भी आने वाला है। जी हाँ, 20 मिनट पहले आपको वेकअप कॉल और एक मैसेज भी आ जाएगा। जी हाँ, उसके लिए आपको क्या करना है आपको बता दूँ, उसके लिए आपको इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कॉल और SMS के लिए चार्ज लिया जा सकता है। जी हाँ, ये सुविधा केवल लंबी रूट पर चलने वाले यात्रियों को रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक उपलब्ध कराई जाती है, यानी रात के दौरान दिन में तो इतना सोते नहीं है इसीलिए, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस है, अब वो आप एक बार पोज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, सारी की सारी आपको चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ अब अगली खबर की तरफ, 15 सितंबर से बदल जाएंगे मोबाइल यूज़ करने के नए नियम। जी हाँ,
DOT ने कर ली है पूरी तैयारी। जी हाँ, टेलीकॉम एक्ट 2023 के लागू होने के बाद मोबाइल फोन या टेलीकॉम सर्विसेज यूज करने के नियम बदल जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने दूर संचार विभाग को इससे संबंधित रिकमेंडेशन भेजा है और नए नियम के लागू होने के बाद यूजर के निजी डेटा को गलत तरीके से मैनेज करने के साथ साथ उनके मिसयूज पर रोक लग जाएगी। यानी आपको जो भी कॉल आते हैं ना सारा दिन, ये खरीद लो वो खरीद लो, कोई आपको फिर कॉल नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आपका डेटा कहीं पे कोई सेल नहीं कर सकता है और आने वाले समय में काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये 15 सितंबर से लागू होंगे नियम, टेलीकॉम एक्ट है, इसे अच्छे से पढ़ना चाहो तो इसे पोज करके पढ़ लो स्क्रीन पर, ठीक है, वीडियो रोको और पढ़ लो अच्छे से। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 3 बेटियों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे अयोध्या का जो एक बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी, आपको बता दें पुलिस ने दबोच लिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश का ये वो मोस्ट वांटेड अपराधी था जिसका नाम है किशोर उर्फ किस्सू तिवारी। बुधवार को अपनी बेटियों के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। किस्सू 23 साल से फरार था। जी हाँ, आपको बता दें 23 साल से फरार था। हरिद्वार में वह आश्रम बनाकर रह रहा था। अयोध्या में अपनी बेटियों के साथ किस्सू दर्शन के लिए सोमवार को आया था, लेकिन फिलहाल में अभी पकड़ा गया और उसमें बताया गया कि 55,000 का उसके ऊपर इनाम भी घोषित था, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाए। लेकिन हाँ, फिलहाल अब उसे पकड़ लिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। साइबर ठगों के निशाने पर 4 धाम के तीर्थयात्री, दर्शन को जा रहे यात्रियों को थमाया फर्जी रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें दल से पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ, जिसमें दिल्ली स्थित ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बताया कि हैदराबाद के 11 सदस्यीय दल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से छेड़छाड़ की गई थी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सरकार ने दी है बड़ी राहत, कॉलिंग और SMS के लिए 2 नए मोबाइल नंबर सीरीज जारी। आपको बताएं सरकार की ओर से बैंक मैसेज के साथ प्रमोशन कॉल और मैसेज के लिए एक नई नंबर सीरीज को जारी किया जाएगा, जिससे मोबाइल यूजर्स को आने वाले दिनों में काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक प्रमोशन कॉल और मैसेज के बीच यूजर्स को अंतर ही नहीं कर पाते थे। ऐसे में सरकार ने प्रमोशन कॉल और मैसेज के लिए अलग सीरीज आवंटित की है। साथ ही मोबाइल यूजर्स की सुविधा के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिन्हें नए सरकार के बनने के बाद 100 दिनों के बाद एक्शन में जारी कर दिया जाएगा, जो वाकई में अच्छी चीज़ है। जी हाँ, ऐसा कुछ होगा तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिसके तहत 140 मोबाइल नंबर सीरीज प्रमोशन वॉइस कॉल मैसेज आएंगे, जबकि 160 नंबर सीरीज के वित्तीय लेनदेन और सर्विस वॉइस कॉल आएंगे, जो इससे पता चल जाएगा कि किस प्रकार के मैसेज आने वाले हैं या कौन कॉल कर रहा है, ठीक है, तो वाकई में एक अच्छी चीज़ है ये। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। अब ट्रैक पर दौड़ेगी वंदे भारत मेट्रो, आगरा से दिल्ली केवल 90 मिनट में होगा सफ़र। आपको बता दें अब ट्रैक पर वंदे भारत मेट्रो दौड़ने की तैयारी है। ये ट्रेन आगरा से दिल्ली केवल 90 मिनट में सफ़र तय करेगी। जुलाई में इसका ट्रायल होगा। रेलवे के अनुसार नई ट्रेन नई दिल्ली इंटरसिटी की जगह लेने वाली है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। IIT कानपुर के छात्र को उम्र कैद और 80,000 रुपये का जुर्माना। फैशन डिजाइनर की हत्या में आया CBI कोर्ट का फैसला। आपको बता दें फैशन डिजाइनर की हत्या में IIT कानपुर के छात्र को उम्र कैद और 80,000 रुपये की जुर्माना लगाया गया, जिसकी सज़ा सुनाई गई है। लखनऊ से कानपुर गया फैशन डिजाइनर मूलगंज चौराहे से लापता हो गया था, कंकाल IIT में मिला था। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हथियार तस्करों का गिरोह UP से दबोचा गया, 12 गिरफ्तार। आपको बता दें बुलंदशहर पुलिस को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उपलब्ध कराने वाले तस्करों से जुड़े गिरोह के 12 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह कई जिलों में अवैध हथियार भी सप्लाई करता था। जी हाँ, ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश UP की बड़ी काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।